दिल धड़क रहा ना आपका भी, वोट तो पड़ गए, इम्तिहान खत्म, अब नतीजों की बारी। 23 मई सुबह 6 बजे से लगातार आपके मोबाइल पर यूपी तक पर। बड़ी खबर यह है कि एनडीए की सरकार एक बार फिर 2019 में इस एग्जिट पोल के हिसाब से बनते हुए नजर आ रही है। जो लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा था, देखिए 542 में से तकरीबन हर सीट का हाल हमने दर्शकों को हमने दिखाया है और कुल मिलाकर एक बार फिर से यहां पर बीजेपी प्लस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये देखिए, ये आंकड़े आ गए हैं अपनी अपनी पार्टियों के लेकर सामने। एनडीए 339 से 365 और श्रोता इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि 336 पर 2014 में जब शानदार मोदी लहर थी उस वक्त देखा गया था, इस वक्त क्या इसको सुनामी बोल सकते हैं। फिर एक बार मोदी 300 के पार, मोदी लहर ही नहीं मोदी सुनामी। एग्जिट पोल बोले आएगा तो मोदी ही, 339 से 365 सीटें। ये 23 मई की उस पिक्चर का ट्रेलर है जिस पिक्चर में नरेंद्र मोदी फिर से भारतीय राजनीति के सुपर हीरो बनने जा रहे हैं। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल का अनुमान यही बता रहा है कि नरेंद्र मोदी की लहर नहीं सुनामी है, जिसके सामने न कोई गठबंधन टिकेगा न विपक्ष का कोई गणित। ऐसा लग रहा है कि लगातार दूसरी बार नरेंद्र मोदी विपक्ष को पूरी तरह से ध्वस्त करने जा रहे हैं। एनडीए को जबरदस्त बहुमत के साथ 339 से 365 सीटें मिलने का अनुमान है, तो यूपीए के 77 से लेकर हद से हद 108 सीट तक पहुंचने का अनुमान है। एनडीए यूपीए से अलग अन्य दलों का आंकड़ा भी 59 से 95 के बीच से मट सकता है। अगर 23 मई को कमोबेश यही आंकड़े रहते हैं तो फिर ये 1971 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि कोई नेता लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आएगा। ये करिश्मा 1971 में इंदिरा गांधी ने किया था और अब नरेंद्र मोदी ऐसा करिश्मा करने वाले हैं, क्योंकि अनुमान यही बता रहा है कि पूरे देश में 2014 की तरह ही मोदी मोदी हुआ है। देश को नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर मिल गए। आएगा तो मोदी, ये देश की हर कोने में ये नारा था, बट लेकिन 23 तारीख को हम एग्जिट पोल्स के आंकड़े को भी आगे बढ़कर उस संख्या को भी पार करके बड़ी बहुमत के साथ हम जीत हासिल करेंगे। फिर एक बार मोदी 300 के पार, मोदी लहर ही नहीं मोदी सुनामी। एग्जिट पोल बोले आएगा तो मोदी ही। ये चौंकाने वाले अनुमान इसलिए भी है कि जिस तरह से विपक्ष ने एकजुट होकर नरेंद्र मोदी को टक्कर देने में जोर लगाया था, जिस तरह से नरेंद्र मोदी को विपक्ष ने घेरा था, उससे यही लग रहा था कि इस बार शायद बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने में मुश्किल हो जाए। लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान ये साबित कर रहे हैं मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को अकेले दम पर 293 से 316 सीटें मिल सकती है, जबकि पूरा जोर लगाने के बावजूद कांग्रेस 48 से 65 पर ही रह जाएगी। हमें पूरा यकीन है जनता सहमति जताने वाली है ही नहीं, और एग्जिट पोल जो है वो गलत साबित होगा। और आने वाले वक्त के अंदर 23 तारीख को आप देखेंगे, जब शाम को रिजल्ट पूरे आएंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी। अब भले ही विपक्ष 23 मई का इंतजार करने को कह रहा है और अपनी उम्मीदें 23 मई के दिन पर लगाए हैं, लेकिन एक ट्रेंड तो एग्जिट पोल्स से दिख ही गया है कि नरेंद्र मोदी के नाम को टक्कर देने वाला इस वक्त भारतीय राजनीति में कोई नहीं है। यूपी जैसे राज्य जहां मायावती और अखिलेश के चुनावी अंकगणित की इतनी बड़ी चुनौती थी, वहां नरेंद्र मोदी माया अखिलेश की चुनावी जोड़ी को बुरी तरह से ध्वस्त करते दिख रहे हैं। यूपी में बीजेपी को 62 से 68 सीटें मिलने का अनुमान है, माया अखिलेश के महागठबंधन को सिर्फ 10 से 16 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस अपनी पुरानी स्थिति में ही 1 से 2 सीटों पर रह सकती है। ये मॉडर्न अभिमन्यु है, इन्होंने निकलने का भी रास्ता, परास्त करने का भी रास्ता जो है इनको मालूम था, इनको ज्ञान था और रणनीति बनाई है। और ये जितने भी कौरव लोग थे, ये जो इकट्ठा हुए थे, ये सब इन लोगों को सबको हराया है। जिस राज्य में इतनी बड़ी चुनौती हो, वहां पर अगर नरेंद्र मोदी का नाम हर गणित को फेल कर रहा हो,
तो देश भर का अनुमान अपने आप लगाया जा सकता है। अनुमान यही है कि नरेंद्र मोदी न सिर्फ 2014 वाले अपने गढ़ बचा पाए हैं, बल्कि दूसरों के गढ़ में जाकर चुनावी स्ट्राइक कर दी है। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक बंगाल और उड़ीसा में बीजेपी उलटफेर करने जा रही है। बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी के बराबर खड़ी हो गई है। बंगाल में बीजेपी को बंपर 19 से 23 सीटें मिल सकती है। उड़ीसा में नरेंद्र मोदी ने नवीन पटनायक को फेल कर दिया है। उड़ीसा में बीजेपी के 15 से 19 सीटें जीतने का अनुमान है, जबकि सत्ताधारी बीजेडी को सिर्फ 2 से 6 सीटें मिल सकती है। सो जो एग्जिट पोल में आया है ये हमारा मालूम होता है, ये सच है। सिर्फ इंडिया टुडे एक्सिस ही नहीं, करीब करीब सभी एग्जिट पोल नरेंद्र मोदी के बहुमत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक एनडीए को बंपर बहुमत है। टीवी 9 और सी वोटर के एग्जिट पोल में एनडीए को 287 सीटें दी गई है। रिपब्लिक और जन की बात के पोल में एनडीए को 305 सीट का अनुमान है। टाइम्स नाउ व्यमान ने एनडीए को 306 सीट का अनुमान लगाया है। न्यूज 18 इप्सोस के एग्जिट पोल में एनडीए को 336 सीटें दी गई है। एबीपी न्यूज और निल्सन के पोल में एनडीए को 277 सीटों का अनुमान है। न्यूज 24 और चाणक्य के एग्जिट पोल में एनडीए को बंपर 350 सीट का अनुमान है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल में एनडीए को 300 सीटों का अनुमान है। एग्जिट पोल्स के ये अनुमान बता रहे हैं कि देश नरेंद्र मोदी पर ही भरोसा जता रहा है और उन्हें पूर्ण बहुमत के साथ सेकेंड इनिंग का मौका देने जा रहा है।